बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आप सभी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की पावन कथा को श्रवण कर रहे। प्रभु की कथा उनकी स्वयं की अपनी, उनके जीवन की कथा तो है ही, ये कथा मानव इतिहास की कथा है। मानव के विकास की कथा है यह कथा, हमें बताती और समझाती है। एक साधारण वनवासी मनुष्य किस तरह है प्रगति करते हुए आज यहाँ तक, जिस युग में हम जी रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा। साधारण वृक्षों कुटियों में निवास करने वाला आज इतने ऊंचे भवनों का निर्माण कर रहा है। इतना विकास, इतनी उन्नति मनुष्य ने की, और यह सब उन्नति भगवान ऋषभ देव का मार्ग दर्शन था। उन्होंने जगत को सिखाया, मानव को सिखाया, शिक्षित बनाया, तो मनुष्य यहाँ तक पहुँचा। उन प्रभु को हम नमन करते हैं, उन अनंत उपकारी प्रभु को बार बार नमन करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने मोक्ष का पथ दिया, उन्होंने ही मुक्ति की बात बताई, जीव को परम लक्ष्य पाने की बात बताई। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से उनका महान अवर्णनीय अकथनीय हम पर जगत पर उपकार है। तो उन प्रभु को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। ऋषभ देव भगवान तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। ऋषभ देव भगवान तुमको
लाखों प्रणाम तुमको, जिन शासन के शान तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, जिन शासन के शान तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, ऋषभ नाम में अद्भुत शक्ति, ऋषभ पूर्ण प्रतीति क्या अभिव्यक्ति, पूर्ण प्रतीति क्या, त्रिभुवन के सुख धाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, त्रिभुवन के सुख धाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, ऋषभ देव भगवान तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, ऋषभ देव भगवान तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, बोलो ऋषभ देव भगवान के बंधु बहानों, पिछली चर्चाओं में आपने भगवान के जन्म के विषय में सुना। तीर्थंकर का जन्म कल्याणक कहलाता है। कल्याणक शब्द का अर्थ होता है सबका भला, सबका कल्याण करने वाला। प्रभु का जन्म सबका हित, सबका भला, सबका कल्याण करने वाला था। आपने सुना था जिन्हें कभी शांति नहीं मिलती, उन नरक के जीवों को भी तीर्थंकर के जन्म पर कुछ समय के लिए शांति प्राप्त होती है। नार के जीवों को भी शांति मिलती है। ऐसा प्रभु का जन्म होता है, इसलिए हम उनके जन्म को जन्म कल्याणक कहते हैं। प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, देवों ने मनाया, मनुष्यों ने
उस समय के जो रीति रिवाज रहे थे उसके अनुसार मनाया, और नाभिराय जो कुलकर थे उन्होंने मनाया। अब तो नामकरण भी हो गया, ऋषभ वृषभ वृष और भी उनके पावन नाम जिनकी चर्चा और व्याख्या आपने सुनी थी, ये उनके नाम प्रसिद्ध हुए। अब तो ऋषभ सबकी आंखों के सितारे हैं, हर कोई उन्हें देखता रहता है, निहारता रहता है। उनको देखने से शांति मिलती है, अच्छा लगता है, हर कोई उन्हें अपने गोदी में लिया चाहता है। सब इधर इधर से वहां, वहां से वहां, इस तरह है, एक गोदी से दूसरी गोदी में, ये उनकी सुखद यात्रा थी। ये सब महलों में तो था ही, यह सब प्रजा में तो था ही। देवराज इंद्र वे भी अपने स्थान से अपने ज्ञान का उपयोग लगाकर वहां से प्रभु का दर्शन करते हैं, नमन करते हैं। और देवता भी ऐसा करते हैं, किसलिए? अच्छा लगता, सुखद लगता है, फूलों को देखकर व्यक्ति आनंद महसूस करता है। बस फूलों की बात देखने तक ही है, आगे हाथ बढ़ाना तोड़ना ये धर्म विरुद्ध है, पर देखने अच्छा लगता है। प्रभु का दर्शन करके सबको अच्छा लगता था। बहुत लोग बाहर आए रहते थे, हमें दर्शन करवा दो। अरे भाई अभी वो आराम में है, बालक है, खड़े रहते लोग, हमें दर्शन करवा दो। और जब ठीक समझा जाता तब उनका दर्शन करवाया जाता, सब हर्ष से विभोर हो जाते। यह शिशु रूप भगवान की महान पुण्यवाणी थी। इंद्र महाराज ने अपने अंतर में कहा, इतने लोग जाते हैं दर्शन करने, मैं भी चलूं, बहुत दिन हो गए, महीनों बीत गए, मैं भी चलूं और प्रभु का दर्शन करके आऊं। ऐसा सोच करके इंद्र महाराज अपने देवलोक से अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा यहां धरा पर आए। आज वे इंद्र के रूप में ही आए, रूप बदल कर नहीं आए। इसके पीछे भी यही भाव था कि देखने वालों को इनकी महिमा पता चले, कि इनके चरणों में मनुष्य ही नहीं, देव और इंद्र भी नत होने के लिए आते। आज इंद्र महाराज अपने रूप में आए, दिव्य रूप,
मुकुट सजा हुआ, सुंदर वस्त्राभूषण आए। पुराने से पहले मन में सोचा कुछ भेंट तो ले चले। आज भी आप लोग कहीं रिश्तेदारी में मित्रों के यहाँ कहीं जाना हो और वहाँ बच्चे का प्रसंग हो तो मन होता है चलो दो खिलौने तो ले चलें बच्चे के लिए। इंद्र महाराज ने सोचा क्या लेके चलूं, अब सबकी सोच अपनी है, आप अपने से सोचते, उन्होंने अपने से सोचा। उन्होंने भेंट देने के लिए गन्ना चुना। क्या चुना भाई? गन्ना। गन्ने को संस्कृत भाषा में इक्षु कहते हैं। वह चुना, चुना जो भी सोचा। अब हम इंद्र महाराज की सोच तक कैसे जाएं? जो भी सोचा गन्ना लेकर के वो आए। उस समय महाराज वो थे तो कुल कर, पर भाषा तो बोलनी होती है बताने के लिए। नाभिर आए, उन्हें अपने गोदी में लिए हुए बैठे थे और सब लोग यथास्थान आए हुए, वो भी बैठे हुए थे। इंद्र महाराज आए, सहसा आए नाभिराज, एक बार तो देखते रह गए ये दिव्य पुरुष, ये कौन?